सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर आज के इस वीडियो में से बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक दिखते रहेगा। इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करूँ सबसे पहली न्यूज़ के बारे में, सबसे पहले जो न्यूज़ है वो निकल कर आती है सैमसंग की तरफ से। और दोस्तों, यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F42 5G ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर गूगल प्ले कंसोल पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गया है, जिससे इसका लॉन्च और कुछ जो फीचर्स हैं वो ऑफिशियली कन्फर्म हो जाते हैं। यहाँ पर गूगल प्ले लिस्ट के बाद में ये पता चला है कि इसमें आपको Android 11 का सपोर्ट, फुल HD प्लस डिस्प्ले, 8GB की रैम और MediaTek Dimensity 700 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है। और डिजाइनिंग की बात करें तो फ्रंट के साइड में वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन दी जाएगी। तो सैमसंग का ये जो नया स्मार्टफोन जल्दी लॉन्च होने वाला है, इसके कुछ ये जो फीचर्स हैं वो निकल करके आए हैं। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, दोस्तों अगली जो न्यूज है वो निकल करके आती है Xiaomi की तरफ से। और दोस्तों, यहां पर Xiaomi की एक नई जो स्मार्ट वॉच है वो ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गई है। Xiaomi की जो नई स्मार्ट वॉच है वो जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, आप ये कह सकते हैं। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, दोस्तों अगली जो न्यूज है वो निकल करके आती है OnePlus की तरफ से। और OnePlus का एक नया स्मार्टफोन जिसका मॉडल नंबर निकल करके आया है NE2217। अब ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर IMEI डेटाबेस पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गया है, और मे बी ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर OnePlus की Nord सीरीज का स्मार्टफोन हो। वैसे OnePlus को अपने स्मार्टफोन वगैरह में काफी हद तक इंप्रूवमेंट करना चाहिए। इनका जो स्मार्टफोन है कहीं फट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, किसी को इंजरी हो रही है, तो इन सब चीजों को जरूर से OnePlus को ध्यान देना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, अपना ओपिनियन जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, दोस्तों अगली जो न्यूज है वो निकल करके आती है सैमसंग की ही तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी M52 5G ये जो स्मार्टफोन है वो यूरोपियन मार्केट में आज लॉन्च कर दिया गया है। फीचर्स की बात करें तो 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 778 का 5G प्रोसेसर है, 64MP का ट्रिपल रियर कैमरा है, 25W का चार्जर यहां पर दिया गया है। प्राइस ये लोगों ने अभी तक रिवील नहीं की है, तो यार इतना तो हम लोगों को ऑलरेडी पता था, तो फिर प्राइस ही बता देते। तो देखते हैं यूरोपियन मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो क्या निकल करके आती है। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, दोस्तों अगली जो न्यूज है वो निकल करके आती है रेडमी की तरफ से। और यहां पर मैं आपको ये गुड न्यूज दे दूं कि रेडमी का एक नया स्मार्टफोन अपने मॉडल नंबर के साथ में 3C सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गया है। और ऑनलाइन सर्टिफाई होने के बाद में ये चीजें कंफर्म हो गई हैं कि Redmi के इस नए अपकमिंग स्मार्टफोन में 120W का जो चार्जर है वो यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। अब हालांकि ये चीजें कंफर्म नहीं कि आखिर ये कौन सा स्मार्टफोन है, क्या नाम होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पॉसिबल है कि ये जो स्मार्टफोन है वो Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन हो सकते हैं। तो क्या Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन में 120W का चार्जर मिलेगा? यार देखते हैं, मुझे तो चांस बहुत कम लग रहा है। देखते हैं आखिर ये जो स्मार्टफोन है वो कौन सा स्मार्टफोन निकल करके आता है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो निकल कर आती है Lenovo की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर Lenovo अपना एक फ्लैगशिप टैब बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है, और यहाँ पर ये जो टैब है इसके जो पूरे जो फीचर्स हैं वो निकल करके आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 12.6 इंच की जो 2K AMOLED डिस्प्ले है वो देखने के लिए मिल जाएगी, 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में। उसके साथ में यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 870 का चिपसेट देखने के लिए मिलने वाला है, 8MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा, 13MP का आपको जो रियर कैमरा वो देखने के लिए मिल जाएगा, 10,200 mAh की बैटरी यहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है, और 45W का चार्जर होगा। तो देखना होता है कि Lenovo का ये जो नया टैब है इसकी जो प्राइस है वो क्या निकल करके आती है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, दोस्तों अगली जो न्यूज है वो निकल कर के आती है Amazon की तरफ से। और दोस्तों यहाँ पर Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल इसकी जो सेल डेट है वो यहाँ पर कंफर्म हो गई है, और Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल स्टार्ट होगा 4 अक्टूबर से। और यहाँ पर कुछ जो स्मार्टफोन की प्राइस कट लिस्ट है वो भी निकल करके आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर Redmi वगैरह के स्मार्टफोन पर डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि कितना डिस्काउंट होगा ये लोगों ने अभी तक रिवील नहीं किया है, लेकिन ये बता दिया है कि ये स्मार्टफोन होने वाले हैं। और यहाँ पर इस सेल में आपको Redmi Note 10, Redmi Note 10 S ये जो स्मार्टफोन है इस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर Amazon ने चालाकी क्या की है मैं आपको बता देता हूँ। फ्लिपकार्ट की जो सेल है वो स्टार्ट होने वाली है 7 अक्टूबर से, और फ्लिपकार्ट वाले पहले सेल डेट को अनाउंस कर दिया कि 7 से सेल स्टार्ट हो रही है। Amazon वाले उसके बाद में सेल डेट को अनाउंस करते हैं और फ्लिपकार्ट के पहले ही सेल रख देते हैं। तो ऐसे में ज्यादातर जो शॉपिंग वगैरह लोग करने वाले हैं वो यहाँ पर Amazon पे करेंगे, प्रोबेबिलिटी बनती है कि Amazon पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर Amazon की जो सेल है वो पहले स्टार्ट हो रही, तो लोग देखेंगे ऑफर कि भैया इस स्मार्टफोन पे, इस प्रोडक्ट पे अच्छा खासा डिस्काउंट है, चलो हम अभी परचेस कर लेते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो अफेक्ट है वो फ्लिपकार्ट की सेल को पड़ने वाला है। तो Amazon मतलब किस टाइप से ये लोग दिमाग लगाते हैं अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए, आप यहाँ पर देख पा
रहे होंगे। आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में, अपना ओपिनियन जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो निकल कर आती है वीवो की तरफ से, और यहाँ पर वीवो Y75 ये जो स्मार्टफोन है वो IMEI डाटाबेस पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गया है, और यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है वो वीवो का अपकमिंग 5G स्मार्टफोन है। तो वीवो Y75 जो स्मार्टफोन है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, आप ये कह सकते हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो निकल कर आती है Realme 9 सीरीज के स्मार्टफोन को लेकर के, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं अगर आप Realme 9 सीरीज के स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों Realme अपनी Q सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है चाइना में बहुत जल्दी, जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon 778 का 5G प्रोसेसर और 144 हर्ट्ज की पॉसिबल है कि AMOLED डिस्प्ले यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए, और 50 वाट का चार्जर वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो स्मार्टफोन चाइना में Realme Q सीरीज के अंदर लॉन्च हो रहा है वो स्मार्टफोन इंडिया में Realme 9 और Realme 9 Pro के नाम से रीब्रांड होगा, और Realme Q सीरीज में एक और नया स्मार्टफोन जा रहा है जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon 870 का 5G प्रोसेसर दिया जाएगा। तो पॉसिबल है कि Realme 9 और Realme 9 Pro में आपको Qualcomm Snapdragon 778 और Snapdragon 870 का 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है। अब अगर ये जो स्मार्टफोन है वो Realme 9 और Realme 9 Pro के नाम से इंडिया में आते हैं तो आपके अकॉर्डिंग इनकी प्राइस क्या होनी चाहिए, अपना ओपिनियन जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो निकल कर आती है Xiaomi और Huawei को लेकर के, और दोस्तों यहाँ पर Xiaomi और Huawei के लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल कर आ रही है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। दोस्तों यहाँ पर लिथुआनिया ने अपने सिटीजन्स को Xiaomi और Huawei के स्मार्टफोन को फेंकने के लिए कहा है, फेंकने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके जो सिटीजन हैं वो यहाँ पर Xiaomi और Huawei के जो स्मार्टफोन हैं उनको फेंक दें, उनका ना यूज करें। अब आप कहेंगे कि यार क्यों फेंक दें, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो रीज़न है सिक्योरिटी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो Xiaomi का एक स्मार्टफोन है Xiaomi Mi 10T, अब दोस्तों यहाँ पर लिथुआनिया के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा है कि Xiaomi Mi 10T जो स्मार्टफोन है उसके अंदर जो सेंसर से फीचर है उसको रिमोट से स्विच किया जा सकता है, और Huawei के जो स्मार्टफोन हैं उनमें सिक्योरिटी को लेकर के कुछ जो लूप होल हैं वो उनको यहाँ पर दिखे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि Xiaomi और Huawei को जरूर से सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी इशू बन सकता है ये सब चीज़ें। तो ऐसे में अब वहाँ पर ये अपने सिटीजन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप Xiaomi और Huawei के जो स्मार्टफोन हैं उसको यूज ना करें, खास करके Mi 10T। अब देखते हैं क्या जो चीज़ें हैं वो निकल कर आती हैं। वैसे आपका क्या ओपिनियन है सभी चीजों के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो निकल कर आती है Realme की तरफ से, और Realme ने कल चाइना में उनका एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो कि है Realme V11s, और यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है Realme का सस्ता 5G स्मार्टफोन निकल करके आने वाला है, और जो Realme V11s 5G स्मार्टफोन है इसकी जो प्राइस है वो चाइना में कुछ यहाँ पर 12,000 से 13,000 रुपए निकल करके आई है अगर हम इस प्राइस को इंडिया प्राइसिंग से कन्वर्ट करते हैं। पॉसिबल है कि अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में आता है तो इसी प्राइस पॉइंट पर आएगा। स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो फ्रंट के साइड में आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ में एक फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी, उसके साथ में Qualcomm Snapdragon, उसके साथ में MediaTek Dimensity 810 का 5G प्रोसेसर दिया गया है जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है, उसके साथ में 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सिर्फ और सिर्फ दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, 5000mAh की बैटरी है, 18 वाट का चार्जर है। तो ये कुछ डिटेल है, अब देखते हैं आखिर इंडिया में ये जो स्मार्टफोन है वो किस नाम से निकल करके आता है। दोस्तों बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, अगली जो न्यूज है वो निकल करके आती है Realme की तरफ से, और दोस्तों यहाँ पर Realme Narzo 50A और Realme Narzo 50i स्मार्टफोन कल इंडिया में लॉन्च कर दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि Realme Narzo 50i में कौन सा प्रोसेसर दिया गया है ये अभी तक कंपनी ने अनवील नहीं किया है, इन लोगों ने तक बताया ही नहीं कि इसमें आखिर प्रोसेसर कौन सा है, बस इन्होंने बता दिया कि पावरफुल ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, कौन सा है MediaTek का ही होगा, तो कौन सा है प्रोसेसर ये इसके बारे में अभी तक कोई भी डिटेल नहीं है। तो कम से कम यार Realme वालों को इस टाइप से प्रोसेसर वगैरह को स्मार्टफोन में देना चाहिए कि वो लोग बताने लायक कम से कम रहे कि नहीं ये वाला प्रोसेसर है, ऐसा प्रोसेसर दे रहे हैं कि बता ही नहीं पा रहे कि प्रोसेसर आखिर है कौन सा। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, अपना ओपिनियन मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो भी निकल आती है Realme की तरफ से, मैंने कुछ दिन पहले आपको काफ़ी टाइम पहले बताया था कि Realme G1 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, और अब बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन है यहां पर बहुत जल्दी चाइनीज मार्केट साथ में ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च होने वाला है, और ये जो स्मार्टफोन है ऑलरेडी काफी समय पहले इंडिया के लिए भी स्पॉट कर दिया गया था, और ये जो स्मार्टफोन है लॉन्चिंग के लिए अपीयर होना स्टार्ट हो चुका है। तो Realme G1 स्मार्टफोन आ रहा है, देखते हैं आखिर ये जो स्मार्टफोन है किस टाइप का स्मार्टफोन निकल करके आता है। दोस्तों फाइनली ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए, अब आपका क्या कहना है सभी चीजों के बारे में, अपना ओपिनियन जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसके साथ में अगर आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।